नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। शनिवार को लोहरदगा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय जिला और महिला मोर्चा सहित सभी अनुषंगी इकाई के नेताओं ने संयुक्त रूप से कमल किशोर भगत के पैतृक गांव जिंगी पहुंचकर उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही लोहरदगा ब्लॉक मोड़ स्थित आजसू पार्टी प्रधान कार्यालय में स्वर्गीय कमल किशोर भगत की प्रतिमा के लिए आधारशिला रखी गई। आजसू कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा, कमल किशोर भगत झारखंड आंदोलनकारी थे और वे दो दो बार लोहरदगा विधायक बन लोहरदगा विधानसभा का नेतृत्व करने का उन्हें मौका मिला। कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि पर शपथ ली। ओम भारती ने कहा, कमल किशोर भगत के पद चिन्हों पर हम सभी चलते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। निरु शांति भगत ने कहा कि जिस तरह मान सम्मान मेरे पति स्वर्गीय कमल किशोर भगत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते थे, साथ में लोहरदगा की जनता के साथ लगातार जुड़े हुए थे, मैं उन्हीं की तरह सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान देते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगी। आजसू के महिला नेत्री अंजू देवी ने कहा, आज का दिन हम लोगों के लिए अपूर्णीय दिन रहा है। हम सभी उनकी पत्नी निरु शांति भगत के नेतृत्व में एक नए जोश के साथ राजनीति में उतरकर उनके अधूरे सपनों को साकार करेंगे। आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक और हमारा जो आधारशिला यहाँ रखा गया है, जो कि दादा को जन्म जन्म तक वहाँ पे दादा की स्मृति चिन्ह के तौर पे उनकी उनकी प्रतिमा को हम लोग आजसू पार्टी मिल करके और पूरे जोरों शोर से स्थापित करने का काम करेगी। और साथ ही साथ आज आजसू पार्टी के सभी सदस्यों ने, सिर्फ लोहरदगा जिला के ही लोगों ने अपितु पूरे झारखंड में सभी लोगों ने ये प्रण लिया है कि स्वर्गीय दादा के जितने अधूरे सपने थे वो हम लोग हमारी भाभी जो हैं निरु शांति भगत जी, इनके द्वारा हम लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे और इनको एक नया आयाम और जो दादा के सपने थे इस क्षेत्र को लेकर के और झारखंड को लेकर के उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेगी। आजसू पार्टी पूरे ज़ोर से इस चीज़ के लिए हम लोग कार्यरत हैं। दादाजी का देहांत, उनकी प्रथम पुण्यतिथि आज आजसू पूरे परिवार कार्यकर्ता मिलकर मना रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण रहा है। ये दिन हम कार्यकर्ताएँ नहीं भूलेंगे कि हमारे बीच लोकप्रिय नेता हमारे बीच आज के दिन छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज उनकी धर्मपत्नी निरु शांति भगत के नेतृत्व में लोहरदगा में एक नया पहल, एक नया जोश, एक नया नेतृत्व के साथ हम लोग आज क्षेत्र में उतर रहे हैं और अगला राजनीतिक पहल और हम लोग का प्रयास है कि आने वाला 24 कमल किशोर भगत के अधूरे सपनों को सभी महिलाएं मिलके और निरु शांति भगत हम लोग विधायक बनाएंगे और फिर से कमल किशोर भगत के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी थे और लोहरदगा विधानसभा का दो दो बार प्रतिनिधित्व करने का मौका उनको प्राप्त हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच वो नहीं है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और आजसू पार्टी पुण्यतिथि मना रही है और कलम कमल किशोर भगत की पद चिन्हों में चलने का संकल्प ले रही है और आने वाला समय पुनः कमल किशोर भगत का जो सपना था उसको पूरा करने का आजसू पार्टी प्रयास करेगी। आंदोलनकारी सर लोहरदगा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत, आज हम उनकी पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम सभी यहाँ जितने हमारे आंसू परिवार के लोग हैं हम सभी तन लेते हैं कि उनके अधूरे सपने को हम लोग पूरा करें। टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।